हम इसी बात पे खुश हैं, डिप्लोमेसी इज बैक इन यूएसए। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को देखें, अमेरिका में बैठ के दंतना रहा था, भाई तुम ये चाइना पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हो? बताएं कौम को कि भारत के साथ तिजारत कैसे हो रही है। आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रीन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे जाएं। कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान भारत की फौज नहीं है। आज के इस दौर में जहां बुखार की गोली मार्केट से गायब हो जाती है, अद्वियात कितनी महंगी हो चुकी हैं, वहां गरीब का जो मियारी इलाज है कैसे हो सकता है, बताएं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी उसामा गाजी भाई, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कुछ मुझ पे रहम कर लो। ये है, ये देखिए, रियासत होगी माँ के जैसी, वो उनकी मम्मी, वो सबकी मम्मी, और हम सब वो मिस्र वाली मम्मी, बैठ करके हम सब तमाशा देख रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने हमें बताया कि इंडिया कहता है कि अगर आपने पाकिस्तान को वेपन दिए तो हम आपसे वेपन नहीं लेंगे, हम आपसे कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे, और वो कहते हैं हम नहीं करते आपके साथ। आई हैव पर्सनली मेट सर्टेन ऑफिशियल्स। सो ये जो चीजें मैं समझता हूँ, दिस इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है, मुझे मुझे लगती है। और हम इसी उसी चीज में फंसे हुए हैं। आप जस्ट जाकर इंडियन बिजनेस को खोले तो सही कि इंडियन बिजनेस कर क्या रहा है। ठीक है जी, एप्पल जी वहां पे बना रहा है, सुजुकी का देख रहे हैं जी, वो डबल कार अपनी कर रहा है, रेल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ठीक है जी, जी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो अपनी कंज्यूमर गुड्स को बड़ा पुश दे रही है। ठीक है जी, और पाकिस्तान की क्या बात आती है जी, कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उन्होंने हिंदू मुस्लिम क्लैशेज हुए हैं यूके के शायद में, उसमें जो क्लैशेज हुए हैं पाकिस्तान के नाल कर दे। ठीक है जी, और दिस इज वे दे आर दे बिलीव कि भाई इंडिया जो है वो अपनी टारगेट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स ट्रिपल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, ये चीजें जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में बहुत आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज वेयर पाकिस्तान की अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन हेडलाइंस, और हाउ द इंटरनेशनल मीडिया बेसिकली पोर्ट्रेज पाकिस्तान, और वट एक्चुअली वी वॉन्ट हाउ टू बी पोर्ट्रेड। हम सिर्फ इंडिया और सिर्फ मांगने पे खड़े हैं, वहां पे एक एक बिजनेसमैन जो है वो जो हमारे रियल स्टेट में हमने इतना पैसा लगा दिया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इकोनॉमी है सारी जुए की इकोनॉमी है, कैसीनो इकोनॉमी हम बोलते हैं ना, बिकॉज मनी इज प्रोड्यूस्ड इन रियल स्टेट में, पैसा पैदा होता है। जो रियल स्टेट है उसको तो पता ही कोई नहीं चला, ये कोविड में सारा रियल स्टेट नीचे आ गया था, कल कोई और मसला होगा इंटरनेशनल तो पाकिस्तान के रियल स्टेट नीचे गिर गया तो कहाँ पैसा पैदा हो रहा है, क्या हमारी कोई एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नए आए हैं, उनके आने से को 5-7 रुपये डॉलर नीचे, रुपया की कीमत बढ़ी है, डॉलर नीचे आया, असली इसी गलती बड़ा खुश है, बिकॉज वी डोंट हैव लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है हमारे पास, हर चीज पोलिटिसाइज हुई है। सो आई वॉन्ट कि मुझे कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन बताए जो कह रहा हो कि मैं अगले कुछ सालों में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगा रहा हूँ, और मुझे कोई बताया कि हमारे फलाने कंपनी के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है। दिस इज वॉट वी हैव टू थिंक एज ए नेशन, हमें ऐसे पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ढूंढने हैं, बिजनेसमैन ढूंढने हैं जो कि शायद कहते हैं चिराग लैके वड्डी लैट लैके भी टुरंगे तो नहीं लगने, अल्लाह दे हुक्म है ही कोई नहीं। और बिकॉज